हेलो एवरीवन, तन्वी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, एक डिटर्जेंट की डेफिनेशन पढ़नी है, इसकी टाइप्स पढ़नी है और पढ़ना है कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट, सोप के विद रिस्पेक्ट, कि सोप के जब हम सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं तो किसका क्या फायदा है वो हमने पढ़ना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले डिटर्जेंट्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। डिटर्जेंट्स होती है वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिनको हम यूज करते हैं किसके जैसे किसके किसके तौर पे, क्लिंजिंग एजेंट, मतलब साफ करने का काम करते हैं ना, कपड़े वगैरह धोते हैं तो डिटर्जेंट ऐड करते हैं ना। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, सोप की भी बता देती हूँ। सोप की डेफिनेशन यहाँ पे कोई ऐसे आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि सोप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सोप्स की बात करते हैं। सोप्स क्या होते हैं, सोप्स होते हैं अल्कली मेटल साल्ट्स। ठीक है, अल्कली मेटल मतलब मैक्सिमम टाइम या तो सोडियम हो गए या फिर पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स, किसके, ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट मतलब अल्कली मेटल साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सोप। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास, जैसे मतलब आपके पास नॉर्मली क्या होगा, R होगा, COOH, ये हो गया एसिड, और इसका जब आपको साल्ट लिखना है तो एच पॉजिटिव बनाना है और Na या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये जनरल फॉर्मूला, ओके, R ग्रुप 10-15 कार्बन को रेफर करता है। जैसे आपके पास एक होता है पामिटिक एसिड, ठीक है, तो पामिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, आपके पास है C15, H31 और COONA। ठीक है, अगर मैं H लिखूं तो बन जाएगा पामिटिक एसिड, ये आ गया पामिटिक एसिड। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एच हटा के Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव लगाऊंगी तो क्या आएगा, तो आ जाएगा सोडियम पाल्मिटेट या पोटेशियम पाल्मिटेट, और वो आपके पास सोप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वैसे सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है किसकी, स्टेरिक एसिड की, आपको एक दो एसिड आना चाहिए, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड क्या होता है, C17, एच कितना होता है, डबल प्लस वन करना है, ओके, ऐसे होता है ना, CH2L प्लस वन करना है, ये अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप का। ओके, तो C17 H कितना आएगा, 17 × 34 प्लस 1 कितना है, 35, और COOH ये आ गया स्टीरिक एसिड। ऐसे एक ओलिक एसिड है, उसमें इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो जब भी किसी में डबल बॉन्ड आता है दो H कम हो जाते हैं, तो एक आपके पास आएगी ओलिक एसिड की एग्जांपल जिसमें आएगा C17 H, इससे 35 से दो H कम करने तो आएगा 33 COOH। ये तीन एसिड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोप्स की क्या डेफिनेशन है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स किसके, ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये आ गया जनरल फॉर्मूला, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और R के बजाय क्या यूज करना है, उसके बेसिस पे क्या नाम है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो हमारे सिलेबस में है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट भी क्या है, सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट्स ही होते हैं। किसके साल्ट्स होते हैं, ऑफ बेंजीन मैक्सिमम टाइम बेंजीन सल्फोनिक एसिड या अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए सबसे पहले नॉर्मल एसिड अगर आपको कोई बोलता है ऑर्गेनिक एसिड, तो हम लिखते हैं COOH ग्रुप, इसमें जो भी लगाना हो वो लगाते हैं। अब जब आपको कोई बोलेगा सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, जिसके साथ भी SO3H जुड़ता है हम उसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, SO3H ग्रुप होगा तो बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ओके, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, ये आ गई बेंजीन, ठीक है, और यहां आ गया SO3H, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब उसने बोला साल्ट, साल्ट मतलब H पॉजिटिव हटाओ, यहां में नेगेटिव लगा लो, Na पॉजिटिव लगाओ, कुछ लगाओ, और उसने बोला अल्काइल, अल्काइल ग्रुप यहां मैक्सिमम टाइम पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होता है, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल आपको अगर कुछ नहीं आता तो R भी लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा आता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 को 10-15 बार लिख सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा CH2 हम लिख देंगे भाई N टाइम्स, हमें नहीं पता कितने टाइम्स है, और बेंजीन रिंग इसके साथ लिखेंगे, और SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो ये बन गया। जैसे यहाँ पे है सोडियम अल्काइल बेंजीन, जब अगर SO3H लिखते हैं तो बन जाता सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे नेगेटिव है तो बनेगा सल्फोनेट, तो सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या है डिटर्जेंट। तो क्या पढ़ी डिटर्जेंट की डेफिनेशन, ये सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड के। ओके, सोप्स क्या होते हैं, अल्कली मेटल साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब नॉर्मल एसिड COOH के साथ अगर आप कुछ लगाओगे तो उसको बोलेंगे सोप,
और SO3H के साथ अगर आप कुछ लगाओगे इसको बोलेंगे डिटर्जेंट। ठीक है, तो दोनों के दोनों को डेफिनेशन तो आई थिंक आपको क्लियर होगी। दोनों के दोनों को हम किसके तरीके पे किसके जैसा यूज कर सकते हैं, दोनों को हम क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्लींजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो साफ करने का काम करता है। ठीक है ना, तो दोनों साफ करने का काम करते हैं। अब हमारे पास है कि भाई दोनों साफ कर रहे हैं तो कौन अच्छा साफ कर रहे हैं, तो हमारे पास जब भी आपने देखा होगा हम हमेशा प्रेफर करते हैं डिटर्जेंट यूज करना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस। ठीक है, किसकी, ऑफ डिटर्जेंट की। भाई डिटर्जेंट की क्या एडवांटेजेस है, मतलब डिटर्जेंट के क्या फायदे हैं, किसके ओवर, ओवर सोप्स, कि सोप्स के विद रिस्पेक्ट, भाई सोप के कंपैरिजन में डिटर्जेंट अच्छा है लेकिन क्यों अच्छा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि डिटर्जेंट्स होते हैं ना सोल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर में बहुत अच्छे से सोल्युबल है, इजिली सोल्युबल लिखूंगी मैं, इजिली सोल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, एंड गिव्स गुड फ्रॉथ। ठीक है, बोलने का मतलब कि आपके पास देखो दो तरीके का पानी होता है, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है, और एक होता है सॉफ्ट वाटर, राइट। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर ऐसा नहीं है कि टच करके देखा है हार्ड लगा दूसरा सॉफ्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ड वाटर क्या होता है, जब भी हम उसमें सोप का यूज करते हैं ना तो उसमें लैदर नहीं बनता, लैदर फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब जो झाग बनती है जब हम साबुन हाथ में लगाएं कुछ करें तो झाग जो बनती है वो हार्ड वाटर में नहीं बनती, लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, झाग बन जाती है, साबुन से बन जाती है। तो इसीलिए हार्ड वाटर में क्या प्रेफर किया जाता है, क्या यूज करना प्रेफर करते हैं हम लोग, यूज करते हैं आपके पास डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छे से इस्तेमाल, अच्छे से फ्रॉथ दे सकता है इन कंपैरिजन टू सोप के कंपैरिजन, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है डिटर्जेंट का, डिटर्जेंट जो होते हैं वो इजिली सोल्युबल होते हैं, किसी भी पानी में अगर आप देखोगे आराम से घुल जाएंगे, इजिली सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब नॉर्मली आप देखो कि अगर मुझे सोप लगाना है, अगर हमें कपड़े ही धोने हैं तो सोप लगाना है, पूरा रगड़ रगड़ के उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि आपको डिटर्जेंट ऐड करना है तो आप बकेट ले लोगे, डिटर्जेंट डालोगे, थोड़ा हाथ से हिला दोगे तो डिटर्जेंट जो होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है। तो ये भी इसकी एडवांटेज है कि आराम से ये घुल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि इनका जो क्लींजिंग एक्शन होता है, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन जो इनका है, क्लींजिंग एक्शन इनका बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। ठीक है, मतलब आराम से बहुत अच्छे से सोप के विद रिस्पेक्ट ये क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसको किसी भी मीडियम में, कैन बी यूज्ड इन एनी मीडियम। ठीक है, कैन बी यूज्ड इन एनी मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम में, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई एसिडिक सोल्यूशन है, वहां पे हमारे पास सोप जो है वो अच्छे से साफ नहीं करता, वहां पे काम में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटर्जेंट को किसी भी मीडियम में, प्रेफरेबली एसिडिक मीडियम में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट और है कि जो डिटर्जेंट्स है ना वो कहां से बनते हैं, वो बनते हैं मैक्सिमम पेट्रोलियम फ्रैक्शन से। ठीक है, तो पेट्रोलियम फ्रैक्शन से बनते हैं, पेट्रोलियम फ्रैक्शन हमारे अर्थ पे अवेलेबल है तो आराम से हम ले सकते हैं। लेकिन जो सोप्स है ना वो बनते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड कहां से बनता है, अभी बात की थी फैटी एसिड हमारे पास, ये तो बताया कि फैटी एसिड बनते हैं लॉन्ग चेन सोडियम या पोटेशियम से आता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो। फैटी एसिड बनते हैं वेजिटेबल ऑयल से। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल हम लोग खाने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हाइड्रोजनेशन अगर हम कराएं, हाइड्रोजन उसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, फैटी एसिड वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम फ्रैक्शन से बनता है और यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल को हम बचा सकते हैं जिसको हम सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डिटर्जेंट किससे बनते हैं, पेट्रोलियम फ्रैक्शन से। तो क्या एडवांटेजेस है, एक दो ही एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं, इजिली सॉल्युबल है, इसका क्लींजिंग एक्शन बहुत अच्छा है, किसी भी मीडियम में इस्तेमाल किया जा सकता है और पेट्रोलियम फ्रैक्शन से बनता है तो वेजिटेबल ऑयल को बचाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस में आपके पास क्या होगा, डिसएडवांटेजेस में देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप डिटर्जेंट की। देखो डिसएडवांटेज एक ही है हमारे पास, क्या डिसएडवांटेज है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मैक्सिमम जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, जो आजकल डिटर्जेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो भी होते हैं, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या मतलब है इसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ये डिग्रेड नहीं होते, मतलब ये खत्म नहीं होते, तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो ये हमारी अर्थ पे रह जाते हैं, बिल्कुल भी फिनिश नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या कॉज करते हैं, तो ये हमारे पास कॉज कर रहे हैं पोल्यूशन। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ पोल्यूशन भी, मतलब सॉइल पोल्यूशन बोलूंगी, सॉइल पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या प्रेफर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है सोप। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटर्जेंट्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल से बायोडिग्रेडेबल में चेंज कर सकते हैं। कैसे,
हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम क्या करें, लॉन्ग चेन, हमारे पास ना चेन वाले हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बनाए जाए, ये हमारे पास सीधा स्ट्रेट चेन, सॉरी क्या बोल रही हूँ, स्ट्रेट चेन वाले हमारे पास अगर डिटर्जेंट बनाए जाए ना, स्ट्रेट चेन मतलब जो भी आप ऑर्गेनिक ग्रुप उसमें लो, 10 लो, 15 का लो, 20 कार्बन जो भी लो, सारे सीधी चेन में होने चाहिए। अगर सीधी चेन वाला हम लोग डिटर्जेंट लेते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या पढ़ाया, डिटर्जेंट्स है, उसके एडवांटेजेस की बात की जा रही है, तो एडवांटेजेस मैंने आपको बताई, हॉट वाटर में सॉल्युबल है, आराम से किसी भी पानी में घुल जाता है, एसिडिक मीडियम में या किसी भी सिंथेटिक मीडियम में यूज कर सकते हैं, क्लींजिंग एक्शन बहुत अच्छा है, और ये बनता है पेट्रोलियम फ्रैक्शन से, तो वेजिटेबल ऑयल को बचाया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, जो भी हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसीलिए पोल्यूशन कॉज कर सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन, इसका भी एक हम लोग बता देते हैं कि अगर हम स्ट्रेट चेन डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट को बायोडिग्रेडेबल में बदल सकते हैं, और डिटर्जेंट का जो सिर्फ फायदा है वही सिर्फ उसमें से ले सकते हैं। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग इसका लास्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, फिर आराम से हमारे पास हो जाएगा। ओके तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट में डिपेंड करता है कि हमारे पास किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक ही टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिटर्जेंट्स की। तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास होता है पॉजिटिव वाले डिटर्जेंट्स, ठीक है, मैं बोलूंगी पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिटर्जेंट नहीं लिखते, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स लिखते हैं, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है एनाइनिक, मतलब नेगेटिव जिसमें आएंगे वो एनाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है, और लास्ट वाला है न्यूट्रल भी लिख सकते हो, और न्यूट्रल अगर नहीं लिखना हो तो नॉन आयनिक, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं हो तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। ओके नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तो देखो सबसे पहले हम लोग एनाइनिक डिटर्जेंट की बात करेंगे, कौन सा डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब एनाइनिक डिटर्जेंट क्या करता है, किससे बनता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं, आपको याद रखना है, हम लोग लेते हैं पेपर में ना ज्यादा कुछ नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा वो कभी कभी एक नंबर का क्या पूछ लेता है कि भाई गिव एग्जांपल ऑफ एनाइनिक डिटर्जेंट की, दो एग्जांपल बता दो, कैटाइनिक की बता दो, नॉन आयनिक की बता दो, तो वो सब। तो लॉन्ग चेन हम यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं, कोई भी बड़ा सा अल्कोहल ले लिया, उसके रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे OH होगा, यहाँ से H पॉजिटिव वगैरह जाएगा तो पानी निकल जाता है, और हमारे पास बन जाएगा लॉन्ग चेन अल्कोहल का, क्या, लॉन्ग चेन सल्फेट, ठीक है, बड़ा सा सल्फेट बन जाएगा, सल्फेट मतलब उसके साथ ऐसे जुड़ा होगा SO3H या SO, हाँ मतलब OSO3H ऐसा कुछ जुड़ा होगा, ठीक है। फिर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ, बेस मतलब जैसे NaOH के साथ करा ली, तो यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H पॉजिटिव जाता है, तो OSO3 नेगेटिव और NA पॉजिटिव वगैरह आपके पास जुड़ जाता है, और आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ओके तो देख लेते हैं मैं बोल क्या रही हूँ, लॉन्ग चेन अल्कोहल लेनी है, कोई भी बड़ी सी चेन वाली अल्कोहल ले ली, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, आपके पास बनेगा सल्फेट, और सल्फेट को किसके साथ ट्रीट कराना है, बेस के साथ ट्रीट कराना है, और आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसको लिखते हैं। मैंने आपको बताया था मैं स्टीरिक एसिड की यहाँ पे बात करने वाली हूँ, तो स्टीरिक एसिड मैंने ऊपर आपको बताया था C17 होता है, H35 है और COOH है, स्टीरिक एसिड है, तो अब अगर मैं इसको अल्कोहल फॉर्म में लिखना है तो CH2OH ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, C17H35 और CH2OH, बहुत सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस इसमें डालना है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना है। तो देखो जब भी हमें किसी एसिड का स्ट्रक्चर लिखना होता है, क्या करना होता है, किसी भी एसिड का स्ट्रक्चर लिखना होता है, जो इसमें सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम मतलब जो अकेला है, उसको सबसे पहले आपको उसको लिखना है, उसके बाद जितने भी आपके पास ये ओ और एच बने, प्रेफर करना है कि ओ एच को आप इकट्ठा लिखो। अब ओ एच कितने हैं, दो ही एच है, तो दो ओ एच के साथ आ सकते हैं, तो आ जाएगा क्या, ओ एच और ओ एच। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा ऑक्सीजन, कितने बचे, यहाँ में चार ऑक्सीजन है, दो एच के साथ चले गए तो दो ऑक्सीजन बच गए, कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये आ गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो देखो H2S और O4, ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। वैसे इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको प्रेफर किया जाता है थोड़ा सा टेट्राहाइड्रल फॉर्म में लिखना, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी। तो कैसे लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, राइट। अब देखो यहां से क्या जाएगा, यहां से वाटर चला जाएगा, H ये H2 और O ये चला गया, क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, बाकी सारा सेम आएगा, माइनस हो गया वाटर, तो क्या आएगा, तो वहां से C17
H35CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे O बचा ना, O का O और बाकी क्या आया, S के साथ कितने O हैं, तीन, SO3 और यहाँ पे आया H, ठीक है। तो ये बन गया SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो ये बन गया, ये बड़ा सा चेन जो भी है ये बन गया अल्काइल, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और ये SO3 और एक और O ऑक्सीजन, तो बन गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें डालना है बेस, तो हमने मान लेते हैं हमने इसमें अन्य एच डाला, तो यहां से बेस है तो OH देगा, यहां से H मिलेगा, माइनस क्या हो जाएगा, वाटर, क्या बनेगा, C17H35CH2 और आपके पास क्या बनेगा, OSO3, यहां से क्या बनेगा, H पॉजिटिव गया तो नेगेटिव आएगा और यहां पे क्या छूट जाएगा, Na, क्योंकि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या बना, देखो बड़ी सी चेन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये वाले डिटर्जेंट कौन से होते हैं, ये वाले डिटर्जेंट होते हैं आपके पास एनायनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो क्या किया, जिसके साथ OH लगता है उसको बोलते हैं अल्कोहल, तो एक हमने लॉन्ग चेन अल्कोहल ले ली, अगर आपको नाम नहीं आता ना तो भी आप इसमें सिंपल सा लिख सकते हो कि लॉन्ग चेन अल्कोहल ले ली। सल्फ्यूरिक एसिड, आपको ये नहीं पता चल रहा तो आपने लिखना है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई सल्फेट बन गया और बेस के साथ रिएक्शन कराई तो कोई भी उसका साथ, NaOH के साथ नहीं करवानी है, KOH के साथ भी करा सकते हो, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराई, जो OH नेगेटिव देता है उनको अर्हेनियस बेस बोलते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन कराई तो आपके पास बन गया सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ अल्काइल और सल्फोनेट का, जरूरी नहीं है बेंजीन सल्फोनेट लेने, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट्स हम लोग यूज करते हैं, इसका क्या फायदा है, देखो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा ये सोडियम, ये बन जाएगा आपके पास स्टीरॉयल और ये बन जाएगा सल्फेट, तो ये इसका नाम है सोडियम स्टीरॉयल, ठीक है, सल्फेट, सल्फेट भी नहीं सॉरी सल्फोनेट है ना, तो सोडियम स्टीरॉयल सल्फोनेट, SO3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्योंकि साल्ट है ना, सोडियम सल्फेट भी लिख सकते हो, सल्फेट भी चल जाएगा, सोडियम स्टीराइल सल्फेट इसके एग्जांपल है, किसी को और कोई एग्जांपल करनी है तो सोडियम लॉरेल सल्फेट भी है, ठीक है। तो पेपर वाला जब एग्जांपल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या एग्जांपल लिखनी है, सोडियम स्टीराइल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम पाइमिटेट सल्फेट, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये जो एनायनिक डिटर्जेंट पड़ा जिसमें अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन सल्फेट बनेगा, बेस के साथ रिएक्शन साल्ट बन जाएगा, तो उस साल्ट में जो बड़ा सा पोर्शन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इनको नेगेटिव वाले मतलब एनायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कैटायनिक डिटर्जेंट, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कैटायनिक डिटर्जेंट की सिर्फ एग्जांपल है। तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट्स में हमारे पास एक बेनिफिट है क्या, कि ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम दीज आर एसीडेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब एसीडेट का मतलब होता है जिसके साथ लगाओ CH3CO नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एसिडिक एसिड होता है ये CH3COOH, जब भी कोई एसिडेट बोले तो मतलब H पॉजिटिव हटाओ और बाकी जो पोर्शन बना वो एट बन जाएगा, तो एसिडिक एसिड से बन जाएगा एसिटेट, ओके। तो एसिडेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स मतलब सीएल नेगेटिव, लेकिन किसके एसिडेट और किसके क्लोराइड, तो ये होते हैं आपके पास क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट के। अब क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट क्या होता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट मतलब जिसमें एन जो है, अमोनियम जब भी वर्ड आएगा एन आएगा, नॉर्मली नाइट्रोजन जो होता है वो तीन बॉन्ड बनाता है, जैसे अमोनिया, ये NH3 हो गया अमोनिया, यहां पे बन रहे हैं नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड, लेकिन अमोनियम साल्ट जब आता है तो नाइट्रोजन के बनते हैं चार बॉन्ड, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का नाम है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम एंड आप कोई भी क्लोराइड यूज कर लो, कुछ यूज कर लो, चल जाए। तो सिटाइल में हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास है 16 कार्बन, कैसे लिखेंगे, CH3 और CH2 15 टाइम्स, ये आ गया सिटाइल वर्ड। उसके बाद लिखा है ट्राइमिथाइल अमोनियम, ये अमोनियम के लिए आए और तीन मिथाइल, तो CH3 CH3 CH3। अब देखो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बनाता है तीन बॉन्ड, अब यहां पे बन रहे हैं नाइट्रोजन के चार बॉन्ड, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर दे देता है बॉन्ड बनाने के लिए, जब भी लोन पेयर दे देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आएगा क्लोराइड नेगेटिव। तो अब इतने बड़े पोर्शन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए कौन से डिटर्जेंट हो गए, ये हो गया आपके पास कैटायनिक डिटर्जेंट। तो एग्जांपल इसकी लर्न करनी है, एग्जांपल है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम और ये क्लोराइड, ये सिटाइल ये ट्राइमिथाइल ये अमोनियम और ये क्लोराइड, तो ये लर्न कर लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, सिर्फ एग्जांपल का नाम भी याद कर लोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो इस टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा बचा है वो है हमारे पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो थर्ड टाइप इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब नॉन आयनिक डिटर्जेंट हमारे पास कैसे बनते हैं? हमारे पास कोई भी बड़ा सा एसिड ले लेते हैं, मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड ले लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ले लेते हैं। उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड की हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के साथ। ये आपको बताते हैं क्या होता है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है ना उसको बोलते हैं हमारे पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको ग्लाइकोल बताना चाहिए। ग्लाइकोल में ओएल जो वर्ड है वो अल्कोहल है। ग्लाइकोल मतलब दो आपके पास यहाँ पे कार्बन होंगे, दो कार्बन है ऐसे CH2, इसके साथ OH और OH, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब दो कार्बन है तो इथ, कॉमन नेम लिखते हैं तो इथाइलीन, और आ गया ग्लाइकोल। ये आपको पता होना चाहिए ये इथाइलीन ग्लाइकोल है, ठीक है। क्या है? इथाइलीन ग्लाइकोल, ओके। उसने बोला पॉली, तो पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब इस चीज को बार बार रिपीट करवाओ, बार बार इसकी रिएक्शन करवाओ, ताकि इसी को रिएक्शन करा के लॉन्ग चेन इसकी जब बनेगी तो वो बन जाएगी पॉली इथिलीन ग्लाइकोल, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को बना लेते हैं, पॉली इथिलीन ग्लाइकोल को पहले बना लेते हैं, फिर बात करते हैं, फिर पता चलेगा हमें कि हमें रिएक्शन किसकी करनी है, ठीक है। देखो क्या आएगा, हमारे पास है OH, सॉरी क्या आएगा उसके पास CH2 OH, ये आ गया एक। मैं चार पांच की रिएक्शन करती हूँ, फिर से आएगा OH, ठीक है, CH2 CH2 OH, फिर से आएगा OH CH2 CH2 OH, एक और लिख देते हैं OH CH2 CH2 OH। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से वाटर जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये H2 और O, फिर से H2 और O, फिर से यहां से H2 और O, ऐसे करके आप 50 कार्बन ले लो, जितने मर्जी चेन ले लो, उन सब का ये जाएगा, ठीक है। बनेगा क्या वो थोड़ा सा देखते हैं, क्या बनेगा, OH CH2 CH2, फिर से क्या आया, फिर यहां आया O, ठीक है, फिर क्या बचा, फिर से CH2 CH2 और O, फिर क्या बचा, CH2 CH2 O CH2 CH2 O, और लास्ट में क्या बचेगा, CH2 CH2 OH, आप जितने मर्जी ले सकते हो। तो मतलब हुआ क्या, एक साइड OH है, ये चीज अगर आप देखो तो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट CH2 CH2 O CH2 CH2 O, ऐसा करके, और लास्ट में CH2 CH2 O नहीं है, H भी साथ में है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हमने लिखना है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, तो हम इसको n टाइम्स लिख लेंगे, ये वाली चीज एक बार लिखनी है, उसके साथ n लिख लेना भाई, 50 बार 20 बार 100 बार, जितनी बार आपने रिएक्शन करानी है करा लो। तो क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले था लॉन्ग चेन, कोई भी आप एसिड ले लो, तो मैं स्टीराइड लूंगी, C17 है, H35 है और COOH है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये स्टेरिक एसिड है, याद रखना है आपने ये, ठीक है। ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लिखनी है, तो मैं लिखूंगी OH भाई, उसके बाद CH2 CH2 O CH2 CH2 O, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, एंड लास्ट में क्या आएगा, CH2 CH2 OH, याद है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रिएक्शन करवाएंगे तो क्या जाएगा, यहां से जाएगा वाटर, ये H H और O, ठीक है, माइनस हो गया वाटर, क्या बनेगा, ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है, पॉली इथाइलीन या इथिलीन, व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहते हो, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। उसके बाद क्या बनेगा, C17 का C17, H35 का H35, यहाँ आया COO, और उधर क्या बचा, बाकी सारा रिपीट कर देना है, CH2 CH2 O n टाइम्स CH2 CH2 OH। क्या इस पे कोई चार्ज आया, नहीं, तो इसलिए ये कौन सा डिटर्जेंट है, नॉन आयनिक। प्लस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि देखिए, हर बार हमने बोला डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन आयनिक डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं था। इसकी एज सच कोई भी एग्जांपल नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल है डिश वॉशिंग लिक्विड्स, ठीक है, डिश वॉशिंग लिक्विड्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से लिक्विड यूज करते हैं, जैसे हम आपने देखा होगा आजकल एड भी आती है, विम यूज करते हैं लोग, विम का जो लिक्विड आता है, ठीक है, प्रिल यूज करते हैं, ऐसी चीजें जो लिक्विड्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स जो यूज किए जाते हैं, हम उनको बोलते हैं क्या, वो उनके वो एग्जाम्पल है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो हमने पढ़ा आज किसके बारे में, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा। डिटर्जेंट आपने पढ़ा क्या होता है, डिटर्जेंट हमारे पास होता है सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ इसका सल्फोनिक एसिड। तो आपको सबसे पहले ना सल्फोनिक एसिड आना चाहिए, ठीक है, तो SO3 ये होता है सल्फोनिक एसिड, जिसके साथ भी ये ग्रुप लगा होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोप को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। तो डिटर्जेंट के बाद हमने पढ़े उसके एडवांटेजेस, पेपर में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट में हमने पढ़ा इसके टाइप्स, तो आपको सिर्फ टाइप्स पता होना चाहिए, आयनिक एनायनिक कौन सा, नॉन आयनिक, और उसकी एग्जाम्पल लर्न करनी है। बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया, किसी को लर्न करना होगा तो देख लेना, नहीं करना होगा तो आपकी मर्जी। आई होप ये जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।